हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त शगमीत आज आपके लिए लेकर आए हैं कि 150 गज में बिल्टअप 4 BHK विद मोंटी हाउस। सारा ही आप इसका फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। और नॉर्थ फेसिंग का एक घर रहने वाला है दोस्तों। बरम एरिया आप सामने देख सकते हैं, इसमें 2 गाड़ियों की पार्किंग हमको फ्रंट बरम में मिल जाती है और 1 गाड़ी की पार्किंग इंटरनल आ जाती है। साथ ही में 2 व्हीलर की पार्किंग है। साथ में गेट के साथ आप पिलर देख सकते हैं दोनों साइड, बहुत ही अच्छे स्टोन वर्क के साथ इसमें पिलर्स डिज़ाइन किए गए हैं। मेन गेट भी काफ़ी हैवी रहने वाला है, आयरन का गेट रहने वाला है और सारा ही फ्रंट एलिवेशन काफ़ी सुंदर डिज़ाइन के साथ तैयार किया गया है। और ये आ जाएगा हमारा इंटरनल कवर्ड कार पार्किंग एरिया। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं प्रॉपर ग्रेनाइट मार्बल की फ्लोरिंग की गई है और ये सारा ही एलिवेशन में भी टाइल वर्क देखने को मिल रहा है। स्टेयर जो रहने वाली है दोस्तों घर के बाहर से ही रहेगी और सारी ही लाइटनिंग के साथ इसका फ्रंट एलिवेशन तैयार किया गया है। और ये स्टेयर्स के नीचे भी हमारा एक्स्ट्रा वुडन स्पेस आ जाती है, जिसके अंदर हमारे सिलेंडर्स की प्रोविज़न रखी जाएगी। और ये सामने वेलकम वॉल पे भी काफ़ी सुंदर वुडन डिज़ाइन दिए गए हैं। और ये आ जाएगा हमारा मेन डोर, प्रॉपर जाली का डोर और साथ में मेन हैवी पॉलिश डोर मिल रहा है, जिसके ऊपर हमें डिजिटल लॉक मिल जाता है दोस्तों। और ये हम घर एंटर कर चुके हैं। अपना घर एंटर करते ही आप देख सकते हैं हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया, जिसकी सीलिंग एरिया में भी बहुत ही अच्छे HLP शीट के साथ डिज़ाइनिंग की गई है। झूमर लगाए गए हैं, ये प्रोफाइल लाइट सारी हमको एज इट इज़ मिलने वाली है। काफ़ी अच्छा इंटीरियर के साथ ये तैयार किया गया है। मेन वॉल भी आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, इसके अंदर भी HDHMR बोर्ड के साथ काफ़ी सुंदर डिज़ाइनिंग की गई है। इसके बीच में टेक्सचर पेंट अभी होना पेंडिंग है। ये सामने एक बड़ा LED पैनल मिल जाता है। और ये सामने आ जाएगा हमारा किचन एरिया। किचन एरिया में भी आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पार्टीशन की गई है वुडन डिज़ाइन के साथ। प्रॉपर डाउन सीलिंग मिल जाती है प्रोफाइल लाइट्स के साथ। फुली मॉड्यूलर के किचन रहने वाला है दोस्तों। तो चलते हैं इसके पहले बेडरूम में दोस्तों। जो बेडरूम का भी इसमें हमको साइज़ मिलने वाला है वो है 13 फिट बाय 15 फिट का रूम का साइज़ रहने वाला है। डाउन सीलिंग का डिज़ाइन आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर रहने वाला है। बैक वॉलपेपर इसमें मिलेगा दोस्तों। रूफ हाइट तक कपबोर्ड मिल जाते हैं। एक बड़ा LED पैनल आ जाता है दोस्तों। और साथ ही में इसका आ जाएगा अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में भी प्रॉपर रूफ हाइट तक टाइल्स मिल रही है। वॉल हैंगिंग सीट्स मिलेगी दोस्तों। डाउन सीलिंग मिल जाती है। 150 गज का एक घर रहने वाला है दोस्तों, 4 BHK विद मोंटी। थोड़ा सा इसका महीने का फिनिशिंग का वर्क पेंडिंग है, वो भी आपको पोजेशन से पहले सारा ही कम्प्लीट मिलेगा दोस्तों। ये देख सकते हैं इसका बैक साइड का वॉशिंग एरिया, जिसमें चारों तरफ टाइल वर्क किया। प्रॉपर ग्रिल वर्क के साथ आप देख सकते हैं बैक साइड का वॉशिंग एरिया भी इसमें तैयार किया गया है। तो चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में दोस्तों। जितने भी आप इसमें डोर्स देख सकते हैं सारे ही हैवी डोर्स मिल रहे हैं हमको, पॉलिश डोर्स। और यह आ जाएगा इसका सेकंड बेडरूम। इसमें भी आप देख सकते हैं रूफ हाइट तक कपबोर्ड्स आ जाते हैं। प्रॉपर डाउन सीलिंग मिल जाती है। बैक वॉल पे वॉलपेपर और एक बड़ा LED पैनल है दोस्तों। बड़ी विंडो भी मिल जाती है हमको इसमें। और ये आ जाएगा इसका अटैच वॉशरूम। प्रॉपर रूफ हाइट टाइल्स तक इसमें मिल रही है। वॉल हैंगिंग सीट्स आ जाती है इसके अंदर। 13 बाय 15 के दोनों ही इसके बेडरूम रहने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। स्टेयर्स घर के बाहर से ही है दोस्तों, तो अगर आप अपना फर्स्ट फ्लोर रेंट आउट भी करना चाहते हैं वो भी इजीली आप कर सकते हैं। स्टेयर्स पे भी आप देख सकते हैं प्रॉपर ग्रेनाइट लगाया गया है। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिल जाती है। और ये सारा ही फ्रंट का बालकनी एरिया प्रॉपर HLP शीट से इसकी रूफ तैयार की गई है। प्रोफाइल लाइट्स लगाई गई है। ये टाइल वर्क राइट साइड में देख सकते हैं। और ये आ जाएगा मेन जाली का डोर फर्स्ट फ्लोर का, साथ ही में हैवी वुडन डोर जिसपे बहुत ही सुंदर पॉलिश की गई है। फर्स्ट फ्लोर पे भी दोस्तों बिल्कुल सेम पोर्शन मिल जाता है जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा है। प्रॉपर के ड्राइंग डाइनिंग एरिया आप देख सकते हैं। डाउन सीलिंग मिल जाती है। सामने की दीवार पर एक बड़ा LED पैनल मिल जाता है और उसी के लेफ्ट में हमें वुडन पार्टीशन देख सकते हैं काफ़ी सुंदर की गई है। और मॉड्यूलर किचन आ जाता है हमारा। और 2 बेडरूम मिल जाते हैं दोनों के साथ ही अटैच वॉशरूम। तो एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन है दोस्तों। ये सेक्टर 125 सनी इनक्लेव की लोकेशन रहने वाली है। 150 गज का एक घर है, नॉर्थ फेसिंग का एक घर है। कंप्लीट 4 BHK के घर आपको मिल रहा है विद मोंटी तक स्टेयर्स है इसकी। 2 BHK इसके ग्राउंड फ्लोर पर है और सेम एज इट इज़ पोर्शन फर्स्ट फ्लोर पर है। और फुली मॉड्यूलर डिज़ाइनर के हाउस रहने वाला है। इसकी टॉप टेरेस तक स्टेयर्स जाती है। तो कल को अगर आप अपनी सेकंड फ्लोर भी बनाना चाहते हैं तो उसको भी आप इसमें बिल्टअप कर सकते हैं। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड तक आप इसको बना सकते हैं। अभी आपको ये डबल स्टोरी बिल्टअप मिल रहा है दोस्तों।
बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज में और बहुत ही अच्छी एप्रिसिएशन के साथ ये प्रॉपर्टी रहने वाली है दोस्तों। इसकी और डिटेल जानने के लिए दोस्तों या विज़िट करने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। इसकी जो डिमांड है वो है 1,35,00,000 की डिमांड रहने वाली है दोस्तों, 150 गज की ये प्रॉपर्टी है। बाकी आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें इसकी और डिटेल जानने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।